الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هل كان بعد ميثان आप सब कैसे हैं आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं आज का व्लॉग मैं बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। तो क्या याद करेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही थी जी हार्ट मिल्क केक उसके लिए मैंने फटाफट से पहले इंग्रेडिएंट्स ले लिए मैंने क्या लिए हैं जी दो अंडे लिए हैं ये रूम टम्परेचर पर ही हैं और आ, उसके बाद इसमें जाएगी शुगर ये है वन फोर्थ कप अगर आप थोड़ी सी चीनी ज़्यादा खाते हैं तो आप हाफ कप ऐड कर सकते हैं ऑयल इसमें जाएगा तकरीबन वन फोर्थ कप है तकरीबन पाँच टेबल स्पून काट लें इतना ऑयल है और इसको मिक्स करना है बहुत ज़्यादा इसको जो है ना बीट बीटर से करने की ज़रूरत नहीं है इतना को भी इसको बीट करें कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जी वनीला शुगर वनीला एसेंस है तो आप वो डाल लें उसके बाद जाएगा बेकिंग पाउडर एक चम्मच ये टी स्पून है टेबल स्पून नहीं उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जी एक कप भर के मैदा और इसको छान के डालेंगे ताकि ये जो है ना लम्ब फ्री किस्म का हमारा हमारा जो बैटर है वो रेडी हो जाए उसके साथ मैंने क्या किया एक कप लिया दूध इसको मैंने पैन में डाल के चूल्हे पे रख दिया बॉईल करने के लिए थोड़ा सा ये बटर है ये भी डाल दूंगी दूध में अब इस मिक्सचर को मिक्स करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा साल्ट एक पिंच के बराबर जो है वो साल्ट भी ले लिया था इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर देंगे और इतने में जब तक इसको मैं मिक्स करूँगी हमारा जो दूध है ना वो भी बॉयल हो जाएगा आपने इसमें बॉइलिंग दूध जो है ना वही ऐड करना है मैंने क्या किया बेकिंग मोल्ड लेके मैंने इसके अंदर भी थोड़ा सा जो बटर है वो लगा लिया आप देखेंगे उबलता हुआ दूध आपने जो है ना ऐसे ही डालना है यही तो इस केक का जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है वो है जिससे आपका केक इतना सॉफ्ट किस्म का बनेगा कि वो फौरन से पहले बच्चे तो क्या सब खा जाएंगे और बहुत ही मजे का बनेगा बस इसको एक दफा मैंने मिक्स मिक्स कर लिया था और इसको डाल देंगे मोल्ड में और ओवन को मैंने रख दिया था पहले से 20 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए ऊपर नीचे वाले राड जो है वो ऑन करके 130 डिग्री पे आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेना है ये केक ना मेरे बच्चों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और रणवीर जो चूंकि इतना ज्यादा केक पसंद नहीं करते लेकिन ये इतना सॉफ्ट था ना बिल्कुल बाजार जैसा जो होता है ना फ्रूट केक उससे भी मजे का टूथपिक की मदद से आप चेक कर लें बिल्कुल क्लीन आए तो इसका मतलब यह कि आपका केक रेडी है उसके बाद आपने क्या करना है फॉयल लेके उसको आपने केक को गर्म गर्म केक को इसके साथ रैप कर देना है ताकि इसमें जो धुआं निकल रहा है ना वो बाहर ना निकले और केक आपका मजीद सुपर सॉफ्ट किस्म का जो है ना वो बन जाए इस देखिएगा इससे क्या होगा केक इतना सॉफ्ट किस्म का बनेगा ना दस से पंद्रह मिनट के लिए ही बस मैंने इसको रखा हुआ था बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था कि बस मामा जो है ना केक बना रही है इसको जल्दी से कट करे और डिश आउट करे और हम खाएं ये देखें जी केक और आ, मैंने तो फिर इसका इंतजार नहीं किया कि इसको ठंडा भी होने दूं क्योंकि अभी बच्चों ने नाश्ता करना था तो बस मैंने इसको फौरन जो है ना वो गरम गर्म इसको मैंने कट कर लिया था इसीलिए ये मेरे से कट भी नहीं हो रहा था ये इतना सॉफ्ट किस्म का था और केक में कहती हूँ इतना छोटा सा ही बनाना चाहिए दूसरी टाइम ना खत्म हो जाए गरम गरम और क्या कहते हैं कि नरम नरम केक ही अच्छा लगता है काफी दिनों से मेरी बेटी ने ना कोई केक कुछ भी नहीं बनाया हुआ था और रमीज़ साहब तो बड़ा ज्यादा मिस कर रहे थे केक को तो बस मैंने सोचा कि चलो आज बच्चों का फेवरेट फ्रूट फ्रूट केक जो है ये बनाया जाए तो ये देखिए जी फाइनल लुक इतना मजे का ये केक बनेगा ना आप लोग इसको ट्राई जरूर कीजिएगा और मजे की बात यह है कि आप इसको अगर ओवन नहीं है तो आप इसको पैन में भी बना सकते हैं पैन में इसका रिजल्ट और भी ज्यादा मजे का आएगा बस साथ हम लोगों ने थोड़ी सी चाय ली और ये मजेदार किस्म का हमारा नाश्ता रेडी था वही ब्रेड अंडे पराठे खा खा के ना बच्चे बहुत बोर हो जाए तो बस आप जल्दी से क्या करें किचन में जाए किचन में मौजूद चीजों से केक बनाए और बच्चे भी खुश हो जाएंगे बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ना बस वही सिंपल से डेली जो क्लीनिंग की रूटीनस हैं वही होती हैं और आज जो है ना मैंने ये सारे जो घर के मैट्स थे बस इन को भी धोया हुआ था ये हर वीक जो है ना बस ये धुलते हैं और जैसे ही फिर ड्राई होते हैं इनको वापस मैं इसकी जगह पे डाल देती हूँ कल का ना लेफ्ट ओवर सालन पड़ा हुआ था तो दिन की मुझे कोई टेंशन नहीं थी लेकिन रात को मैंने यह सोचा हुआ था कि बच्चों के लिए सिंपल एंड क्विक किस्म का मैं बनाऊंगी डिनर तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि अगर घर में कुछ चिकन नहीं है मीट नहीं है इसके बावजूद घर में मौजूद जो वेजिटेबल्स हैं उनको यूज करके हम अपना डिनर कैसे बना सकते हैं मजेदार किस्म का तो मैं ये शेयर करूंगी आपके साथ मैंने क्या किया सैलड वाले जो अनियन है मैंने वो लिए हैं एक लिया है बड़े साइज का इसको मैं बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना चॉप कर लूंगी कुछ दिन पहले ना मेरी बेटी लेके आई हुई थी तुरतीला तो रैप्स और वो इसका बड़ा पैकेट लेके आई हुई थी वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे तो मुझे टेंशन थी कि वो ना वेस्ट नहीं जाने चाहिए वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए तो मैं आज सोची थी कि चलो जो घर में मौजूद चीज़ें पड़ी हैं उनके साथ ही मैं बच्चों को मजेदार किस्म का डिनर करवाती हूँ मैंने किया क्या दो चम्मच के करीब लिया है बटर और उसके अंदर ये जो प्याज मैंने चॉप करके रखे हुए थे ये ऐड कर लूँगी बिल्कुल मीडियम से हाई फ्लेम है बहुत हाई फ्लेम पे इसको हमने फ्राई नहीं करना बिल्कुल दो से तीन मिनट के लिए सोते कर देना है बस उसके बाद मेरे पास ये फ्रोजन मटर पड़े हुए थे और ये मैंने थोड़े से ऐड किए हैं ये आलमोस्ट बॉयल ही थे इनको जस्ट टू मिनट्स फ्राई से ये डन हो जाने थे और इसमें मैं ऐड कर दूंगी जी साल्ट थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर और साथ इसमें मैं ऐड कर दूंगी हाफ कैन जो है वो स्वीट कॉर्नस का ये भी मेरे पास बॉयल हुए पड़े हुए थे बस इनको ऐड करके दो से तीन मिनट जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको पकाना है आलू जो है इनको मैंने बॉयल करके रखा हुआ था तो बस इनको मैं मैशर से अच्छे से जो है मैश कर लूँगी इसके अलावा ना मेरे पास ये आ, क्रीम चीज़ पड़ी हुई थी फ्रिज में तो मैंने सोचा इसको भी यूज़ कर लो इसका टेस्ट जो है ना और ज़्यादा तो तो मज़े का आता है तो तीन क्यूब्स जो है ना वो मैंने इसमें क्रीम चीज़ के भी ऐड कर दिए थे जिनके बच्चे सब्जियां खाने में मस्तियाँ करते हैं ना वो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ बना के बच्चों को दिया करें आपके बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और आपके बच्चे वेजिटेबल्स भी खा लेंगे बस इसको मैंने पैन में दोबारा से डाला ये जो मैश किए हुए आलू थे इनको ऐड किया है थोड़े से मसाले बस इसमें मैं और ऐड कर लूँगी इसके टेस्ट को मजीद अच्छा करने के लिए मैंने इसमें क्या ऐड किया था मैंने इसमें ऐड किया था जी क्यूमिन पाउडर साथ मैंने थोड़ा सा कुरियनडर पाउडर भी ऐड किया था अगर आप थोड़े स्पाइस खाते हैं तो आप इसमें चिली फ्लिक्स ऐड कर लें ग्रीन मिर्ची ऐड कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जी पार्सले उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है वो इसमें तकरीबन मैंने हाफ टी स्पून जो है वो ऐड कर ली थी अब क्या करना है तवे के ऊपर ना मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था और ये जो त्रतीला रैप्स मेरे पास पड़े हुए थे इनके ऊपर जस्ट मैंने टोमाटो केचप जो है बस वही ऐड की थी थोड़ी सी ऐड करके अच्छे से इसको मैंने फैला लिया और बस जो मिक्सचर बना के रखा हुआ था वेजिटेबल्स का वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और मैंने इसमें ना अच्छी खासी क्वान्टिट्टी में जो है ना ये मिक्सचर बनाया था और अच्छी खासी कोंटिटी में ही मैंने इसमें ऐड किया था वो ऐड करने के बाद हाफ़ साइड में ना मैं ऐड कर दूंगी और इसके ऊपर फिर मैं मोजेला चीज़ है वो ऐड कर लूँगी और बस इसको फिर मैं तवे पे बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे इसको मैं सेक लूँगी हाई फ्लेम नहीं करना वरना बाहर से तो रैप जो है ना ये जल जाएंगे और अंदर से चीज़ जो है ना वो मेल्ट नहीं होगी इसलिए बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे ये बनाने हैं इतना क्विक बन जाने वाला ये डिनर था ना और मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगा था उन्हें तो पता ही नहीं चला रमीज़ को कि मामा ने इसमें क्या क्या जो वेजेज़ हैं वो ऐड की हैं सो so, ये भी आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप मेरी कोई रेसिपी ट्राई करते हैं और उसका मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ फीडबैक जो है वो शेयर करते हैं ये थी जी आज की मेरी सिंपल लेकिन प्रोडक्टिव सी मॉर्निंग से इवनिंग रूटीन जो आपके साथ मैंने क्विक क्विक शेयर की है और थैंक यू सो मच जितने भी नए लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया बस इसी तरह मेरी हर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करें और यहाँ पे देखें जी मेरी बेटी कट करके दिखा रही थी कि कितने मज़े की स्पिना मोजिला चीज़ का टेस्ट आता है ना बहुत मज़े का और ये देखें जी फाइनल लुक मेरे इन तरतीला रैप्स की जो वेजिटेबल से बने हुए हैं बच्चों को खाना वाना देने के बाद बस एक काम रह जाता है जी किचन को क्लीन करना किचन को समेटना और बस उसके बाद जो है ना एक अच्छे सी दिन की ना एंडिंग हो जाती है नमाज के बाद क्या हुआ डैडी परेशान हो रहे हैं हाँ। क्यों डैडी को क्या हुआ है? है।, है क्यों खाई दई क्यों खाई दई आपने डैडी ने नहीं खाई है तो डैडी को डांट तो पड़ेगी क्यों दही खाई डैडी ने डैडी को पहले कितनी खांसी आ रही है हाँ। फिर आपने मना नहीं किया दही ना खाए खाई है फिर आपको पड़ेगा आपको भी थप्पड़ पड़ेगा आपको भी थप्पड़ पड़ेगा नहीं खाओ गई नहीं खाओ गए डैडी भी खाते दी

और औरैन से प्यार करने वालों के लिए ना एक प्यारा सा क्लिप मैं उसका भी ऐड कर देती हूँ और थैंक यू सो वेरी मच मेरी फैमिली को इतनी ज़्यादा मोहब्बत देने के लिए अल्लाह ताला आप लोगों का और मेरा हामियों नासिर हो बहुत जल्द बस आपसे मुलाकात होगी और जाते जाते मेरी दुआ है अल्लाह ताली मुझे और आपको हाथों के हसद से बचाए शरीरों के शर से बचाए बदनिगाहों की निगाहें बस हमेशा महफूज व मामून रखे आमीन जिंदगी में मिल जाने वाली ब्लैसिंग पे अल्लाह ताला का जरूर शुक्र अदा किया करें बस मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त अल्लाह फे टेक केयर फी अमानिला